नमस्कार, बिस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वरुण अवस्थी। तो टाटा समूह की कुल मार्केट कैप है तकरीबन 10 ट्रिलियन और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल मार्केट कैप है तकरीबन 6 ट्रिलियन। उसके बावजूद सबसे अमीर शख्स होने का तमगा मुकेश अंबानी के पास है, ना कि रतन टाटा के। अगर मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो इसमें टाटा समूह ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तक को पछाड़ दिया है। तो ऐसा क्यों है कि मुकेश अंबानी तो सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के, पर रतन टाटा नहीं? आज हम यही जानेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मुकेश अंबानी भारत की शान है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ रतन टाटा से सब भारतीय बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रतन टाटा से एक बार सवाल पूछे जाने पर, इसी के ऊपर एक बार सवाल पूछे जाने पर, उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। तो अब आपको बताते हैं कि क्या वजह है कि टाटा समूह सबसे अमीर समूह होने के बावजूद, सबसे अमीर समूह में शामिल होने के बावजूद रतन टाटा कभी अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं हुए। यहां तक कि उनके पास जो संपत्ति है कुल मिलाकर, वो कभी $1 बिलियन को उसने पार ही नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण है वर्किंग मॉडल ऑफ बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज का वर्किंग पैटर्न और वर्किंग मॉडल। तो आप जान लेते हैं टाटा समूह के बारे में और टाटा समूह के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। टाटा समूह के पास 96 कंपनीज हैं, जिसमें से 29 लिस्टेड हैं। इन कंपनीज को ऑपरेट करता है टाटा सन्स। टाटा सन्स के 66% शेयर जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, टाटा के ही चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। ये ट्रस्ट चैरिटी का वर्क करते हैं। इन ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा हैं। उनके अकाउंट में ये पैसा नहीं जाया करता, ये पैसा चैरिटी के अकाउंट में जाया करता है, जो चैरिटी वर्क के लिए ही इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी वजह यही है कि रतन टाटा भारत के सबसे अमीर शख्स नहीं है, क्योंकि वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। उनका मोटो ही ये रहा है, बिल्ड योर नेशन मोर देन बिल्डिंग योर बिजनेस। इसमें से एक टीसीएस का बिजनेस काफ़ी बड़ा है। टाटा सन्स की सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस। इसका मार्केट कैप था $109 बिलियन। टाटा की इनकम में अगर इस मार्केट कैप को या इसकी वैल्यूएशन को या इसके रेवेन्यू को मिला दिया जाए तो टाटा शायद दुनिया में टॉप 5 में बीच में कहीं पर आएंगे, 4th या 5th रैंकिंग पे, सबसे अमीर शख्सों की 4th या 5th सबसे अमीर शख्सों की रैंकिंग पे आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जेफ बेजोस की भी जो इस समय वैल्यूएशन है वो $138 बिलियन की है। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो मार्केट कैप थी अक्टूबर 2018 में, वो तकरीबन $96.5 बिलियन थी, यानी कि TCS की ही मार्केट कैप उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था टाटा समूह का वर्किंग पैटर्न, वर्किंग मॉडल, बिजनेस मॉडल और शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसकी वजह से रतन टाटा उसके इंचार्ज हैं, मालिक नहीं। अब जान लेते हैं मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के खुद ही ओनर हैं बेसिकली। इसको जानने के लिए हम उनकी जो इस ईयर की स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट मैं निकाल के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये जानने के लिए कितनी उनकी शेयर होल्डिंग है। ये बेसिकली उनकी स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। तो इसमें मैं आपको एक इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा भी। इसमें सबसे पहला नाम है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ये फैमिली ओन्ड बेसिकली एक फर्म है या लिमिटेड है। इसमें जो पहला नाम है वो है MD अंबानी, खुद मुकेश अंबानी। दूसरा नाम है नीता अंबानी। तीसरा नाम है ईशा M अंबानी। चौथा नाम है आकाश M अंबानी। पांचवा नाम है अनंत M अंबानी। और छठा नाम है KD अंबानी। तो मतलब फैमिली इसे रन कर रही है। इसका जो टोटल शेयर होल्डिंग बनती है वो बनती है 55%, यानी कि 55% ऑफ द शेयर होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गोज टू अंबानी फैमिली। इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए अंबानी के पास, यानी कि मुकेश अंबानी के पास $48 अरब तक की संपत्ति है, बिकॉज इट्स बिजनेस, इट्स अ फैमिली बिजनेस, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। इसी वजह से मुकेश अंबानी की जो पर्सनल संपत्ति है, जो पर्सनल असेट हैं, वो हायर हैं। दूसरी तरफ रतन टाटा की एक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन होने की वजह से उनके पर्सनल असेट्स बहुत कम है। उनका लाइफ स्टाइल भी काफ़ी सोबर है, मुकेश अंबानी का लग्जूरियस है। अपनी अपनी चॉइस है, हम आपको ये दोबारा बोल दें, दोनों ही भारत की शान है, पर अपनी अपनी चॉइस है।
हाँ, तो इसी वजह से रतन टाटा भारत के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में नहीं है और मुकेश अंबानी है। हम रतन टाटा के भी फैन हैं, हम मुकेश अंबानी के भी फैन हैं। बिजनेस जगत की सारी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं वरुण अवस्थी, धन्यवाद।